तो गुरु लोग अटैक ऑन टाइटन के 10 सालों का सफर अब एंड हो चुका है, जहां ये सीरीज साल 2013 में स्ट्रीम होना स्टार्ट हुई थी और अभी तक लास्ट में इसका फाइनल एपिसोड स्ट्रीम किया गया। ये सीरीज हाजिमे यसायामा द्वारा लिखित अटैक ऑन टाइटन मांगा पे बेस्ड है और जो चीज एओटी को बाकी के एनिमे से अलग करती है वो है इसका प्लॉट, राइटिंग, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी। अगर प्लॉट की बात करूँ तो जहां इसकी सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन को गैस करना लगभग इम्पॉसिबल है, वहीं एनिमे के छोटे से छोटे इवेंट स्टोरी को फोरशैडो करती है, इसलिए जब आप इसे देखो तो किसी भी सीन को स्किप मत करना। पहले अगर फाइनल एपिसोड की बात करूं तो जैसे एंड गेम में टोनी स्टार्क ने कहा था कि हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता, और ऐसा ही कुछ हमें एओटी के फाइनल एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां पर येरन येगर और स्कॉट रेजिमेंट के फाइनल बैटल का रिजल्ट फैन फेवरेट नहीं रहा। एक तरफ जहां सभी स्कॉट मेंबर्स रंबलिंग शुरू होने के बाद से ही येरन येगर को मारना चाहते थे, वहीं आर्मिन और मिकासा जो एरन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे वो हमेशा से स्कॉट के इस फैसले के अगेंस्ट थे और वो कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे रंबलिंग भी रुक जाए और एरन को नुकसान भी पहुंचे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक आर्मिन और मिकासा ये समझ पाते कि एरन को मार कहीं रंबलिंग रोकी जा सकती है, तब तक एरन वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को मार चुका होता है। और तब ऐसे मोमेंट पर आर्मिन अपने कोलोसन टाइटल फॉर्म में आकर एरन से फाइट करता है और एट द एंड मिकासा एरन को मार देती है। वेल, ये आसान तो नहीं होता कि जिसकी आप बचपन से इतनी ज्यादा केयर करते आए हो और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए कि आपको उसे मारना पड़े, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। एरन न सिर्फ अपने लव इंटरेस्ट बल्कि अपने फ्रेंड्स की भी बहुत ज्यादा केयर करता आया है। जहाँ फाइनल बैटल में एरन क्लाउड ऑफ फ्लूइड एग्जर्ट करता है जिससे उसके कई सारे फ्रेंड्स टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और तुम्हें पता ही होगा कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिर्फ कुछ ही सालों की लाइफ स्पैन बचती है, इसलिए एट द एंड ऑफ द वॉर वो अपने सारे फ्रेंड्स जैसे कोनी, जीन, आर्मिन और यहाँ तक कि वो एनी और एनर जिसने उसकी माँ को मारा था, वो उसे भी ह्यूमन में बदल देता है। वेल, अगर बात करूँ स्टोरी टेलिंग की, तो क्रिएटर्स ने एरन के ट्रू मोटिव को इतने बढ़िया तरीके से मिस्टीरियस रखा है कि ये सीरीज के एंड तक सस्पेंस बनाए रखता है। अपने फाइनल एपिसोड में सीरीज सेंट्रल थीम्स को फोरफ्रंट करती है जैसे फ्रीडम, सेक्रीफाइस, और अगर देखा जाए तो सीरीज की स्टोरी भी इन्हीं थीम्स के अराउंड बेस्ड है। और अगर इसके विजुअल्स की बात करूं तो स्टूडियो मोपा के रिमार्केबल एनिमेशन, कैरेक्टर मूवमेंट्स, एक्शन सीन्स, ये सारी विजुअल एस्थेटिक्स स्टोरी टेलिंग को और ज्यादा एनहांस करती है। एरन के हीरो से विलन बनने तक का ट्रांसफॉर्मेशन सडनली नहीं होता है, बल्कि सीजन के स्टार्टिंग से ही एरन के डिटरमिनेशन और उसके अपने दुश्मनों के प्रति ब्लडलस्ट, ये सभी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है एरन के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और जहां शुरुआत में एरन के ट्रू इंटेंशन को ना जानते हुए सभी सिंपैथेटिक हो रहे थे कि चलो इसकी दुश्मनी टाइटन से है ना कि इनोसेंट बच्चे और औरतों से, पर रंबलिंग स्टार्ट होने के बाद से कई सारे फैंस सोच में पड़ गए। पर जब स्पेशल 2 में एरन के रंबलिंग के पीछे का ट्रू इंटेंशन बाहर आया तो सारे डिस्ट्रक्शन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ आया। वैसे एओटी के एंडिंग से कुछ फैंस इंक्लूडिंग मी ये होप कर रहे थे कि उन्हें एक वेल डिजर्व हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी, हालांकि सीरीज में तो ऐसा नहीं हुआ, पर जो हुआ वो एरन के डिसीजन को और ज्यादा वजन देती है और कहीं ना कहीं ये स्टोरी को भी अच्छे से कंक्लूड करती है। एक तरफ जहां एंडिंग क्रेडिट्स में मिकासा और सारे फैंस एक पीसफुल लाइफ स्पेन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एलियंस और ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में उभर कर आती है। और एक चीज जो नहीं बदलती है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशन, जो फर्दर डिस्ट्रक्शन को लीड करती है। और हम इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति रही है, वी मेक वॉर सो दैट वी कैन लिव इन पीस, और एओटी इस स्टेटमेंट को प्रूव भी करती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल को दिखाती है। वेल, तुमने ये एनिमे देखी है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर मेरा नरेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।